Hi, I'm Kushal, Tandon, and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more information from Barsatein. Baby, hum pahunch gaye. Baby, I want the best room. Please. Yes. Best room. Ek room chahiye. Best room. Milega kyun nahi, sir? Aap logo ki seva mein hi to khola hai. Ye hotel love life. Pyar ki zindagi. Oh, zindagi ji. Ek kamra chahiye. प्रिवेसी के लिए जी हम समझते हैं शहरी लोग आते हैं माउंटेन कॉलिंग हमको आप जैसे बहुत क्लाइंट मिलते हैं हम जैसे और भी क्लाइंट्स हैं यहाँ पे कौन से रूम में हैं प्लीज हमें मत बताना हमें उनसे दूरी रखना है ना बेबी यस बेबी उन लोगों का तो कुछ लंबा प्रोग्राम लगता है लड़की आपकी तरह नहीं है मैडम बिंदास उन लोगों ने काफी अच्छा बख्शीश बख्शीश एक सेकंड थैंक यू वो कपल भी टॉप फ्लोर पे है तो एक काम कीजिए ना हमें भी टॉप फ्लोर दे दीजिए वो क्या है ना अगर हम लोग बोलोगे तो उन कपल से बात बात कर सकते हैं और वैसे भी मेरी बीबी को हर चीज टॉप से पसंद है ये लीजिए सर लेट्स गो पी लेट्स गो होगी ना एक्टिंग अभी इतना क्या चिपक रहे हो जब जरूरत नहीं है तो पता नहीं क्या बेबी असली एक्टर पर्दे गिरने तक एक्टिंग करते हैं तुम असलियत में भी वैसे ही हो मिस्टर रियांश लांबा और बहुत अच्छे से याद है मुझे तुम्हारा असली लाइफ का असली वक्त यार एक्टर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ उसके ऊपर से तुम मुझे पुराने ताने ढूंढ ढूंढ के मार रही हो लिफ्ट उधर है चलो क्या चांस पे डांस मार रहे हो ये शर्म नहीं आती ये फोटो क्यों ले रहे हो मेरी बहुत भूतनी लग रही है उसलिए ले रहा हूं वैसे भी पुरानी बुरी आदत है बिना मेरी परमिशन के बिना मुझे बताए मुझे कैप्चर करने की नॉट फेयर बुरा लगा मुझे भी हमें जल्दी से चलना होगा विक्रम का फोन आया था अभी उसने ट्रेस किया अभी भी उनकी गाड़ी इसी होटल में वो यही कहीं होगी अरे हो जाओ 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 बेबी आई वांट टू मेक दिस फॉरएवर हमेशा हमेशा के लिए एक बार मम्मा से बात कर लूं मैं अरे तुम समझती क्यों नहीं हो यहां मैं इतने टाइम से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूं और तुम कम ऑन बेबी यू लव मी ना बस एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड का भी आशीर्वाद ले लेंगे चलो जाओ जाओ कहाँ ढूंढे उन्हें यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहीं मैं उनसे देखो नहीं फिरती चलो ढूंढते आउच बाल क्यों बांध लिए कि बाल मेरी आंख में घुस रहे थे और मैं कॉन्सेंट्रेटिंग कर पा रही थी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी फोकस करने चलो चलो फोकस करो तुम इतनी जिद्दी क्यों कहा था ना लग जाएगी गेट सीरियस रियांश प्लीज वो दोनों कहीं मिल नहीं रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो यहाँ से निकल गए वो कहीं शट अप बी पॉजिटिव क्या करो तुम्हारे साथ होती हूँ तो नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं चलो रूम में चलो बात करते हैं फोन लगाते हैं चलो क्या यार बंदा भी फोन नहीं उठा रहा यार कहीं भूतिया होटल तो नहीं है आप चेक इन कर सकते हो लेकिन चेकआउट नहीं ये क्या इंग्लिश गानों को हिंदी में ट्रांसलेट करके डायलॉग मार रहे हो क्या बहुत कूल लग रहा है ये रिसेप्शनिस्ट वैसे भी टेढ़ा लग रहा था मुझे एक सेकंड कहीं तुम जानबूझ के मुझे यहाँ तो नहीं लाए हो एक्सक्यूज मी मुझे किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है ऑलराइट या ऑफ कोर्स तुम तो मैग्नेट हो ना लड़कियां अपने आप आके चिपक जाती हैं तुमसे तुम भी तो खिंची आई थी गलती हो गई तुमसे इसीलिए भुगत रही होगी तौबा कर ली आप कभी नहीं फिसलोगे कहो तो फिर से फिसलवा दो
लाइट चली गई। क्या कर रहे हो यहाँ? ये प्लान है तुम्हारा? जानबूझ के कर रहे हो ना ये? What? तुम पागल हो गए हो क्या? We have to save Kamaya. I have to save her. Excuse me. तुम कहीं नहीं जाने वाली, all right? Kamaya को मैं बचाऊंगा, ये मेरा प्लान है। तो तुम्हारा ये प्लान ना काम नहीं कर रहा है। मैं मुझे बचाना होगा Kamaya को। लाइट, Kamaya। आराधना। अंगद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी रात को हम छत पे क्या करने आए हैं? बेबी, तुम्हें तो मूनलाइट वॉक्स बहुत पसंद है ना? अब हम मूनलाइट पे ही शादी करेंगे। अंगद, तुमने तो कहा था कि हम मंदिर में जाके शादी करने वाले हैं, तो इतनी रात को हम छत पे क्यों? मैंने सोचा हम कुछ अलग तरीके से शादी करेंगे, ऐसी शादी जिसकी मिसाल बन जाए। मालिनी, मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है, एंड आई विल इंश्योर कि उनको उनके किए की सजा मिले। किम्बी, अच्छे हमें माफ कर देना। जो कुछ भी हुआ हमारी गलती। माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चों की जल्दी शादी हो जाए, लेकिन किस घर में बेटी जा रही है ये हमें, गलती हमारी है। प्लीज फॉरगिव अस। क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी थी, मैंने उसे अंगद के साथ भेजा था। थैंक यू वंस अगेन विक्रम, अगर तुम नहीं होते तो। इट्स ओके सर, मुझे थैंक यू की आदत नहीं। यू आर अ क्लास एक्ट बडी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस शहर में आए, हमारे घर में आए। इतना खुश हो गया रे आज, इतना कुछ हो गया उस लड़की के साथ, सब कुछ मेरी वजह से। It's all my fault. आराधना, गलती सबसे होती है। यार तुमने तो दो प्यार करने वालों को मिलाने की कोशिश की है, तुम्हें क्या पता था कि आगे? यही तो कमी है मुझ में, प्यार और धोखे में फर्क ही नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई मैं कि एक टॉक्सिक लड़के की पहचान क्या होती है? अगर Kamaya को कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ तो नहीं ना, हुई तुमसे जजमेंट एरर, हुई तुमसे गलती, लेकिन बाद में क्या हो? तुमने जान बचाई ना उसकी। एक बात बताओ, तुम इस फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों हो गई हो? ऐसा क्या वर्ड है यार उनका तुम पे? आराधना, ये लोग पराए हैं, इतना भी बोझ ना उठाओ कि तुम उनके बोझ के नीचे दब जाओ। कोई नहीं लगते वो तुम्हारे, तुमने जान बचाई उनकी बेटी की, उन्हें तुम्हारा एहसान मानना चाहिए, ऑल राइट? अब नहीं कहोगे? I told you so. वो तो मैं कह चुका हूं, लेकिन अब यू नो व्हाट, तुम्हारी ना अच्छाई मुझ पे रबफ कर रही है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी अच्छा इंसान बनने का मन करता है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर गलती के साथ हूं, तुम्हारे हर पागलपन के साथ हूं, हर फैसले में साथ हूं। हाँ, अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है तो मैं दो कदम पीछे चलूंगा, दैट्स फाइन, बट हमेशा साथ रहूंगा। पर आज के बाद मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। डॉक्टर अस्थाना से बात करवाई। आराधना की कोई गलती नहीं है मम्मा, उसने जो भी किया मेरे लिए किया था। हाँ मेरी बच्ची, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो। हाँ पापा डॉक्टर अंकल को बुला रहे हैं, कुछ मत बोल, आराम करो। हाँ डॉक्टर साहब, आप फौरन घर पे आ जाइए, जल्दी। बहुत शांति है ना पहाड़ों में? नहीं, आई मीन पहाड़ों में कुछ ज्यादा ही शांति होती है ना, सारी आवाज कितनी क्लियर आती है यार। पहाड़ों की शांति ने ना तुम्हें भी शांत कर दिया यार। हम दोनों के कपड़ों में से ना दारू की खुशबू आ रही। दारू की बदबू होती है, दारू की खुशबू होती है, तुम्हें क्या पता? खैर छोड़ो,
जी या मालिनी जी क्या सोचेंगे? अरे ये क्या मतलब है? लड़की मारे तो कुछ भी नहीं, अगर यही मैंने मारा होता मैं कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में जाकर। और वैसे अगर मैं तुम्हें मार भी दिया ना, तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर मेरा एक पड़ गया तुम पूरा टूट फूट के ना बिखर जाओगी। कोई हाथों से मारता है और कोई बातों से। अब फिल्मी कौन हो रहा? थैंक यू। क्या बोला? क्या क्या बसे आदमी, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। तुमसे ना बात करने में बेकार है। अरे ऐसा कैसे यार, कह दिया ना एक बार। अरे ऐसे कैसे, मिस आराधना, मिस सानी, मिस डायरेक्टर, तुमने मुझे पहली बार थैंक यू बोला है। इतनी जोर से थैंक यू बोलो कि पूरी पहाड़ों में गूंजनी चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। ना पुष्पा ना, आज तुमने मुझे पहली बार सॉरी और थैंक यू बोला है, तो ऐसे बोलो कि सारी पहाड़ों में आवाज जाए और बाउंस बैक करके वापस आए, जैसे मैं बोलता हूँ। माउंटेन, आई लव माउंटेन, इट्स लाइक आई लव माउंटेन, आई लव माउंटेन। आप कट करो, मैं जा रही हूँ। आई लव माउंटेन्स। आई लव आराधना। मैं क्यों स्माइल कर रही? आई हेट हिम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।